जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एनालिसिस करेंगे BTC का और उसके साथ साथ एक और टोकन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है, लेकिन मैं इसके ऊपर नज़र नहीं थी और मुझे मिस हो चुका था। लेकिन अगेन भी इसमें आपको बहुत अच्छी ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकते हैं। एक दोस्त है मेरे, बहुत ही अच्छे दोस्त है, उन्होंने रात ही मुझे कहा, लेकिन रात भी मैं थोड़ा बिजी था तो इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाया। तो अभी मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा और उसमें से भी आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छी न्यूज़ हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं अभी की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को, तमाम भी मुसलमान दोस्तों को, मैं इस्लामी जो साल हमारा शुरू हो चुका है इसके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपका ये जो साल है आपके लिए खैर वाफियत वाला साल बनाए और आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। उसके बाद अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो वीडियो में आज की जो BTC की अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो BTC की जो सपोर्ट है वो है 23,555 की। अगर ये ब्रेक कर देते हैं 1 आवर में या 4 आवर में तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट BTC की हो जाएगी 22,700 के लगभग, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो इजीली मार्केट 24 और 25 के एरिया को टच कर सकती है, जो ऊपर रेजिस्टेंस है आज की। कल भी ब्रेक की लेकिन दोबारा उसके नीचे आ गई मार्केट, ये रेजिस्टेंस हमारी ये ही रहेगी। पुरानी जो रेजिस्टेंस थी इसकी $24,400 के लगभग, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाते, उसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो फिर आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में 26, 27, 28 भी टच कर सकती है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा तो फिर आप लोग यहाँ से बियर में ही जा सकते हैं, फिर आप लोग इसी ट्रेंड में भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों का यहाँ से बाय का बन सकता है, सेल का ट्रेडिंग सेटअप आपका नहीं बनता जब तक आप लोग यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं होता। तो सेल की ट्रेड ना लें यहाँ से, इस लेवल से भी और इस लेवल से सिर्फ बाय की ट्रेड लें और ऊपर जाते हुए आप प्रॉफिट बुक करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अभी बाय ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे क्या है, मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड का शिकार है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से बाय की ट्रेड पकड़ सकते हैं, आपको फर्स्ट टीपी यहाँ पे 24,000 हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टीपी अगर ये ब्रेक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे कम अज़ कम यहाँ पे आ जाना है या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ब्रेकआउट हो जाते फिर आपका सेकंड टीपी यहाँ पे $25,500 भी हो सकता है। तो आप लोग इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से ब्रेकआउट दे जाते हैं, यहाँ पे नीचे मार्केट ब्रेकआउट दे जाती है, तो फिर आप लोगों को यहाँ से सेल की इंट्री एक छोटी सी बनेगी जिसका फर्स्ट टीपी $22,700 होगा, $719 होगा। उसके बाद अगर ये एरिया, ये वाला लेवल ब्रेक कर दे तो फिर आपका यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिएगा और ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगी जो कि 21,000 के लगभग होगी। तो दोनों वे में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट मार्केट को वॉच करना, जितनी देर मार्केट में रहें आप लोग स्कैल्पिंग की एंट्री यही रख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग ट्रेड ना कीजिएगा। अभी तक मार्केट यहाँ पर बुल रन का शिकार है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ज्यादा बुल न्यूज आ रही है, लोग ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पे फोमो बाइंग हो सकती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, लॉन्ग सेल आप लोग ना कीजिएगा, फंस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाय का ही सोचेगा तो आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब मैं चलता हूँ कॉइन की जानिब। कॉइन आप लोगों के पास ये है लवली इनू, और प्रीवियस अगर मैं बात करूँ 6-7 दिन की तो बहुत ज्यादा पंप कर चुका है ये कॉइन, ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 डे का अगर हम इसका चार्ट लें तो बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है ये, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जो इसका आज का जो चार्ट है, इसने आज के दिन में ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई बने, 5309 था रात पे, ठीक है, 5309, ठीक है, 5309 तोशी से आज ये गया तकरीबन ऑलमोस्ट 7556, ठीक है, 7456 तोशी के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पंप की, ऑलमोस्ट इसने डबल भी किए लोगों के पैसे कल। तो आप लोग इसके अंदर भी एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, इस वक्त थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का शिकार है आज के दिन में, ठीक है। लॉन्ग टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7 डेज़ की, तो 7 डेज़ में अभी तक मार्केट क्या जा रही है, बुल जा रही है, और 24 से भी इसने यहाँ से मार्केट को पकड़े और 3x यहाँ पे पोर्टफोलियो लोगों का कर चुका है सिर्फ पिछले 7 दिनों, पिछले हफ्ते के अंदर। तो ये आप लोगों को एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों? इसके आने वाले दिनों में 2-4 दिन में बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत जगहों पे लिस्ट होने जा रहे हैं, लिस्टिंग आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं, न्यूज़ आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा और भी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि मे बी ये बाइनेंस पे है, लेकिन बाइनेंस पे आप लोगों को मे बी ना मिले, किसी और एक्सचेंज पर आप लोगों को सकते हैं। तो उस पर भी अगर लिस्टिंग होती है तो बाइनेंस लिस्टेड भी यहां पे देख रहे हैं, तो लिस्टिंग कहीं भी होगी तो आप लोग यहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप लोग यहां पे लालच नहीं कीजिएगा, प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएगा, आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना चाह रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, XNX पे अकाउंट क्रिएट करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप लोग कंप्लीट गाइड किया जाएगा और आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आज की वीडियो थी आपकी एजुकेशनल पर्पज के लिए, हो
होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोशिश कीजिए कि जहां भी इन्वेस्ट करें, जैसे भी करें, अपनी रिसर्च आप लोगों ने पहले करनी। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, आपका होस्ट राहिल राजपूत।